हेलो एवरीवन, देखिए अब डिफरेंस करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में। क्या है पहला? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर आते हैं पैरा मैग्नेटिक, और फिर आते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करूं, ये जो टॉपिक्स हो रहे हैं आपके ये यूनिट थर्ड के डी पार्ट के, तो ये चैप्टर फाइव के हैं टॉपिक्स, ठीक है? यूनिट थर्ड ही है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में देखोगे आप तो ये चैप्टर फाइव में मिलेंगे आपको, ठीक है? तो ये मैं आपको इसलिए क्लियर करूं कि बहुत से बच्चे कमेंट में ये बात पूछ रहे थे मुझसे, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है? तो आप लोग सिलेबस देख लिया करो अपना एक बार, ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक देख लिया करो, उसमें पता चल जाएगा आपको कौन से चैप्टर्स हैं, क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच में डिफरेंस। तो देखो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो डाया में है वो क्या है, दीज सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। ये जो सब्सटेंस हैं मैग्नेट क्या कर देती है, इनको रिपेल कर देती है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, मैग्नेट क्या करती है, इनको अट्रैक्ट कर लेती है। दीज सब्सटेंसेस आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। और फेरो वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट इनको। दीज सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। क्लियर होगी होगा फर्स्ट पॉइंट, क्लियर? उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे मान लो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा सारा, ठीक है, मैं इस तरीके से बना देता हूँ ये, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड H से भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, H से लिख दिया मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? तो जब हमने इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसका जो मैग्नेटिज्म बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, अपोजिट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो मतलब इधर जाएगा ये, ठीक है, कैपिटल M, कैपिटल M ये जो मैग्नेटाइजेशन मैंने इधर डाला है, ठीक है, यही क्या है हमारे पास आई भी होता है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, जिसको आपने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोला था, क्लियर? तो ये जो इसमें एक्वायर होता है वो अपोजिट होगा मैग्नेटिक फील्ड के, क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर पैरा में, दी सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो जो इसमें मैग्नेटिज्म बनेगा वो भी किसी डायरेक्शन में बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में ही बनेगा, तो ये भी इसी में ही बनेगा एम, क्लियर? और ये क्या है फेरो में क्या है सेकंड पॉइंट, दी सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग बनेगा इसके अंदर, ठीक है, तो देखो कैसे, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मान लो इसको H ले लिया हमने, ठीक है, और मैग्नेटिक जो इसका मैग्नेटिज्म होगा मटेरियल का वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही बनेगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू पैरा, क्या इतनी बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो जरा, थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है। देखो क्या कह रहा है, व्हेन डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन इज फील्ड इन यूट्यूब, यूट्यूब समझते हो इस तरीके से, यूट्यूब ये चैनल वाला यूट्यूब मत समझ लेना, ठीक है, यू शेप ट्यूब है एक मान लो इस तरीके से, ठीक है, और इसमें क्या है आपके पास डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन है मान लो, ठीक है, ये डायग्राम इसका है, मैं इधर बना रहा हूँ, वैसे आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूँ ये आपके लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये हमने नॉर्थ पोल रखा और यहाँ साउथ पोल रखा, ठीक है, तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो डायमैग्नेटिक वाला जो सॉल्यूशन है हमारे पास इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या होगा लोअर डाउन हो जाएगा, मतलब ये नीचे जाएगा, समझ रहे हो बात को, क्या हो जाएगा, ये लेवल इसका डिक्रीज होगा क्योंकि ये लोअर्ड हो जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो? अब अगर ये यू शेप्ड ट्यूब बनाए हम, ठीक है, इस तरीके से देखो, इसमें मान लो हमने डाल दिया कौन सा सॉल्यूशन, पैरामैग्नेटिक वाला, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक का डाल दिया और ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल यहाँ लगा दिए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये राइज होगा, क्या होगा, ये राइज होगा यहाँ से सॉल्यूशन, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये वाला था हमारे पास पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन और ये वाला कौन सा था हमारे पास डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग डायग्राम है, ये वाला इसका डायग्राम है और इसका ये वाला डायग्राम है, क्लियर है बात, ठीक है। देखो पढ़ो अब इसको, कह रहा है व्हेन डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन इज फील्ड इन यूट्यूब एंड वन आर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। देखो वन आर्म इसकी हमने किस में प्लेस्ड कर दी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो क्या होगा, द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इन दैट आर्म इज लोअर्ड, तो लोअर्ड ही होगा, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसमें क्या होगा पैरा में, द लेवल ऑफ द पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इन दैट आर्म इज राइज, ये ऊपर जाएगा, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और इसमें क्या होगा थर्ड पॉइंट में, इसमें लिक्विड होता ही नहीं है, फेरोमैग्नेटिक में कोई भी लिक्विड सब्सटेंस नहीं होता, लिक्विड सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, तो नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सिर्फ डाया में होता है और पैरा में भी हो सकता है,
क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। समझ में आए हैं तीनों पॉइंट? फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, दे मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, दे मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपने देखा होगा, इसी पार्ट को समझो, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ना इस पार्ट में, लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे रिपेल हो रहा है। और ऊपर भी एक पार्ट आया था कि रिपेल्ड होती है मैग्नेट से, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ही था हमारा, वो क्या था कि ये रिपेल होंगी मैग्नेट से डाया वाले, ठीक है, तो रिपेल हो रहे हैं। तो देखो मतलब क्या, मैग्नेट के पास तो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये उनको दूर कर रही है, तो मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग से वीकर की तरफ जा रहे हैं वो, ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग में रखा लेकिन वो उसको रिपेल कर देते तो वीकर की तरफ जाते हैं, तो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाले तो क्या होते थे, देखो यहाँ भी अगर देखो आप, तो ये इसके पास ही जा रहा है पूरा सॉल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट था ये भी क्या था हमारे पास, द सब्सटेंसेस अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, तो अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट मतलब कि आपने दूर रखा है और मैग्नेट के पास है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो दूर से उनके पास आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मतलब क्या, जहाँ रखा था पहले सब्सटेंस वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड था और जब उसके साथ चिपक गया तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, ठीक है, तो यही बात यहाँ लिख रखी है, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्लोली, ठीक है। और फेरो में क्या होता है, ये चीज़ जल्दी से होती है, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली। पैरा में स्लोली होता है ये काम, लेकिन फेरो में क्या होता है, ये जल्दी से होता है, रैपिडली तेजी से होता है, समझ रहे हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, देयर परमेबिलिटी इज लेस देन वन। देखो परमेबिलिटी मैंने आपको बताया ही था, पहले ही बताई थी बात कि परमेबिलिटी क्या थी, बताओ जरा क्या थी, कि मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट कितना करता है, ठीक है, वो परमेबिलिटी होती है, ठीक है, परमिट करना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और अगर आप ये पॉइंट समझना चाहते हो तो इसके सेवन्थ पॉइंट में चलो, देखो परमेबिलिटी वाला पॉइंट समझो, देखो सेवन्थ पॉइंट में अगर आपको दिख रहा है, ये एक सब्सटेंस रखा हमने डाया वाला, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इससे दूर दूर से निकल जाएगा, इसके पास भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, तो मतलब क्या है, ये कोई लाइन पास नहीं हो रही है या बहुत ही कम पास हो रही है, बहुत ही टचिंग करती हुई जाएंगी, ठीक है, तो मतलब क्या है, परमेबिलिटी क्या है इसकी, लेस देन वन है। क्या है परमेबिलिटी इसकी, लेस देन वन होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? देखो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था म्यू आर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, बी नॉट इस तरीके से थी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी थी, मटेरियल की हो रही है, वैक्यूम की, तो मटेरियल में तो बहुत ही कम जा रही हैं या जा ही नहीं रही हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कम है, और नीचे वाली क्या है, ज़्यादा है, वैक्यूम में तो जा ही रही हैं, वैक्यूम क्या होता है जब कोई सब्सटेंस है ही नहीं है, वैक्यूम में तो जा ही रही हैं वो, तो ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू कम नीचे वाली ज़्यादा, तो ये क्या होगा आपके पास, लेस देन वन आएगा, कि क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर परमेबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन, ऑब्वियस है फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, ग्रेटर रहेंगी वन से, क्यों, क्योंकि ये देखो जरा, यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो परमेबिलिटी क्या होता है, परमिट करना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये तो परमिट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें मटेरियल में से ज़्यादा पास होंगी, तो ये क्या है आपके पास, ग्रेटर देन वन रहेगी वैल्यू उसमें, ठीक है। और फेरो में क्या रहेगी, ये मच ग्रेटर देन, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, सारी लाइनें पास करेंगी इसमें से, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें सेवन पॉइंट में सारी ही लाइनें चली गई, पास हो गई, क्रॉस हो गई, ठीक है, आसपास वाली जितनी भी होंगी वो भी सब अपने में से निकाल देगा ये, तो इसकी परमेबिलिटी क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन वन तो है ही है, लेकिन मच ग्रेटर देन वन रहेगी एज़ कम्पेयर टू पैरा की अगर हम बात करते हैं, तो क्लियर है। तो परमेबिलिटी डाया में लेस देन वन होती है, पैरा में ग्रेटर देन वन, और फेरो में मच ग्रेटर देन वन, बहुत ज़्यादा होती है वन से, ठीक है। सिक्स्थ बात कर लेते हैं हम, सिक्स्थ क्या है, ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। देखो ससेप्टिबिलिटी स्मॉल भी होगी और नेगेटिव भी होगी, क्यों होगी, अगर ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला याद है कि क्या था हमारे पास, आई बाई एच था, अगर याद हो आपको, ठीक है, साइलम का जाई बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इस तरीके से लिखते थे, ठीक है, तो आई बाय एच था, और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जब ये मैग्नेटिज्म वाली बात बता रहा था मैं, ठीक है, एम ही क्या होता है, आई होता है, तो ये एम बाय एच भी लिख सकते हैं हम इसको, समझ रहे हो आप बात या नहीं, ठीक है। तो देखो ससेप्टिबिलिटी होती क्या थी, ससेप्टिबिलिटी होती थी कि मटेरियल की कितनी पावर है अपने आप को मैग्नेटाइज करने की, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो ये स्मॉल तो है, ये स्मॉल क्यों है, देखो यहाँ पर देखो जरा आप, यहाँ पर इसने क्या किया था, जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके अपोजिट मैग्नेटाइजेशन कर देता था मटेरियल में, अपोजिट मैग्नेटाइज्ड हो जाता था, समझ रहे हो, यही होता था, मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती थी, ठीक है, तो अपोजिट हो रही है और बहुत कम होती है ये चीज़, ठीक है, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा है। और नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन क्या थी इस वाले के, अपोजिट थी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन बना है, तो इसलिए नेगेटिव बनेगी, तो ससेप्टिबिलिटी में स्मॉल होगी और नेगेटिव होगी। सिक्स पॉइंट में पैरा में क्या कहता है, ये स्मॉल तो होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम फेरो की बात करें तो स्मॉल रहेगी, लेकिन पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा जो मैग्नेटिज्म बनता है इसमें सब्सटेंस में वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही बनता था, ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी।
फेरो में क्या होती है ये वैल्यू, लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इस मटेरियल को में जो फेरो वाले मटेरियल होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी पावर होती है मैग्नेटाइज़ करने की अपने आप को, ठीक है, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज होती है वैल्यू, बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एम यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा फेरो के केस में, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिज्म क्या बना था, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही बना था। क्या क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ठीक है, सेवन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था जब मैंने परमेबिलिटी बताई आपको अभी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस वाले केस में लाइनें नहीं पास करती, और इस वाले में कुछ लाइनें पास कर जाती हैं मटेरियल में से, और इसमें सभी लाइनें पास कर जाती हैं, मतलब मोस्टली कर जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए फेरो वाले हमारे क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल माने जाते हैं, क्लियर। एट्थ क्या है, इसमें एग्जांपल हैं डाया के क्या होते हैं, वाटर और NaCl, और पैरा में क्या होते हैं, ये एल्यूमिनियम और सोडियम, और फेरो में क्या होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ठीक है, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपको डिफरेंस, ठीक है, डाया, पैरा और फेरो के, ठीक है। तो मैंने तो 8 पॉइंट्स लिख दिए, तो आप 5 कम से कम तो लर्न कर ही लेना इसके, ठीक है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।